हे hey दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है फहाद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस मास्क का। अब मैं इसको पहन के ही फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह हो चुकी है, लेकिन इसको मैं दिखाऊंगा पूरा अनबॉक्स करके इसके पैक वगैरह में से। तो हम इसका मास्क का रिव्यू करेंगे और फिर इसकी ओवरऑल में डिटेल्स बताऊंगा कैसा है ये मास्क, कैसी है इसकी ओवरऑल क्वालिटी। और दोस्तों, इस मास्क का बाइंग लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इस मास्क को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैंने उतार लिया है, जरा मेरा चेहरा दिख जाए इसलिए। तो फटाफट अब चलिए इसका हम करते हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। सो दोस्तों, ये है इसका पैक, जिस तरह से इस पैकेज में आता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसके पैक पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है इनर लेयर कॉटन फैब्रिक फॉर ईजियर ब्रीथिंग। तो इनर लेयर जो है इसकी सबसे अंदर वाली जो है वो कॉटन की है। और लिखा हुआ है जैसे कि लो हीट बिल्डअप अराउंड फेस, मॉइस्चर कंट्रोल, एंटी बैक्टीरियल फिनिश। सेकेंड लेयर इस तरह से ये दी हुई है स्पन बाउंड टू, तो ये जो है फाइव लेयर्स इस तरह से लिखा हुआ है, बैक्टीरियल फिल्टर, स्मॉल फिल्टर पार्टिकल, मतलब स्मॉल फिल्टर करे, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स वगैरह को फिल्टर करेगी सेकेंड लेयर। और फिर फर्स्ट लेयर यहाँ पे लिखा है स्पन बाउंड वन, फाइव लेयर्स ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन, यानी स्पन बाउंड ये जो है दो लेयर दी हुई हैं बीच में इनर लेयर के बाद में। और फिर लास्ट जो सबसे ऊपर की लेयर है कोर्स पार्टिकल फिल्टर आउटर लेयर जो है, तो वो बाहर जो मोटे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो बाहर की लेयर हमारी जो है फिल्टर कर देगी। बाकी यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है WHO GMP सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोडक्ट और ISO सर्टिफाइड है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क सर्टिफिकेशन IQS इंटरनेशनल क्वालिटी सर्विस। तो इस तरह से ये जो ISO सर्टिफाइड है, WHO GMP सर्टिफाइड है, ये लिखा हुआ है। और रीयूजेबल जो आप देख सकते हैं, रीयूजेबल है ये अप टू 30 जेंटल हैंड वॉशेस, यानी कि 30 टाइम्स आप इसको आराम से जेंटली हाथ से धो के रीयूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँ एटलीस्ट मास्क जो भी आप डेली यूज़ कर रहे हो कम से कम हफ्ते में दो बार धोना चाहिए। दो बार नहीं तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर धोएं अपने मास्क को। बाकी यहाँ पे सुपर ब्रीथेबल है ये BE95, यहाँ पे ये पार्टिकल्स का माइक्रोन में दिया हुआ है किस तरह से फ़िल्टर करता है, स्प्लैश रेजिस्टेंट। और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है UME प्रोडक्ट प्लस 95 रीयूजेबल आउटडोर मास्क प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट। तो काफ़ी अच्छा मास्क है। N95 वाला मैं कहूँगा वो टोटल प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा इसमें हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। और बाकी ISO सर्टिफाइड है, WHO GMP सर्टिफाइड है, तो इसकी क्वालिटी की भी और हम रिलाय कर सकते हैं इसकी सर्टिफिकेशंस की वजह से। अब चलिए, और बैक साइड में मैं दिखा दूँ इसमें दिया हुआ है कुछ डिटेल्स और फीचर्स एंड बेनिफिट्स इस तरह से, जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ के बताऊँगा आपको, वीडियो को पॉज करके आप आराम से जो है ये डिटेल्स बाकी पढ़ सकते हैं। बाकी डाउन साइड भी इस तरह से कुछ ये और डिटेल्स दी हुई हैं इसकी, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे, किस तरह यूज़ करें प्रॉपरली आप। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह दी हुई है, प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹200 लिखा हुआ है, तो इतने का ही हमें जनरली मिलता है अमेज़न पे। और इसके अलावा भी कभी ऑफर्स वगैरह में 180-190 का भी इस तरह से आपको मिल सकता है। बाकी दोस्तों, ये इनकी वेबसाइट है www.eumeworld.com, इसके ऊपर जाके आप इनके और भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं या और भी डिटेल्स आप इनकी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको मैं इसके पैकेट से निकाल लेता हूँ, पैक होके किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें पैक में मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये साथ में इसके लीफलेट मिल जाता है जिस पे कुछ और इसकी डिटेल दी हुई है इन्हीं कंपनी के, और भी जो बैग्स वगैरह आते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट पेटेंटेड मसाजर बैकपैक, इनके ये सब आते हैं। प्रोमो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑनलाइन इनकी और भी जैसे ही मैंने बताया चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो और इसमें हमें ये प्रोमो कोड मिल जा रहा है 25% डिस्काउंट, तो इससे आप जो है अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे यही वो जनरल डिटेल्स दी हुई हैं पीछे इनकी, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और ये आ गया हमारा मास्क इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा मास्क मिल जाता है यहाँ पे। और इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, अंदर से भी अब मैं दिखाऊँ, ये जो है कॉटन का फैब्रिक दिया हुआ है, तो इस पर कुछ हमें बारीक बारीक से दिख रहा है, तो ये कुछ माइनर से पार्टिकल्स हैं, कोई ऐसी गंदगी नहीं है आपको जो कैमरे में दिख रहा है। और कॉटन फैब्रिक पे पता है आपको चिपक जाते हैं थोड़े बहुत पार्टिकल्स, तो वो हैं। और अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसका जो फैब्रिक है, मैं क्लोज़ करके दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका कॉटन का। बाकी अंदर जो लेयर्स हैं वो दी हुई हैं, और ये टॉप लेयर है इसकी जो बाहर से ऐसी दिखती है, तो इस तरह से ये मैश इसकी दिखती है हमें जैसे कि आपको दिख रही है। ओवरऑल इसका लुक एंड डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ ब्रांड लोगो दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे एक ये स्टिकर है यहाँ पे जिसमें ब्रांड लोगो दिया हुआ है जीनेट बाय UME, और इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। और बाकी हमारे पास ये जो बैक साइड पे हैं, तो इसके स्ट्रैप मिल जाते हैं जिससे हम इसे अपने हेड के पीछे लगा के अपने फेस पे लगाएंगे। और इसमें भी जो है एडजस्टेबिलिटी है, ये जो आपको दिख रहा है इससे आप इसे इस तरह से
खींच के अपने हेड के हिसाब से जितना आप टाइट करना चाहें टाइट कर सकते हैं, दोनों ही बैंड्स को इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। दोस्तों ये बहुत ही सही है, मतलब हेलमेट वगैरह में भी लगा के मैंने इसे यूज़ करा है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी कम्फर्टेबली फेस के ऊपर फिट हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो देख सकते हैं ये इसका टॉप पोर्शन है और यहाँ पर ये इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं मोड़ के दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारी प्लास्टिक का अंदर नोज़ क्लिप दिया हुआ है जिससे हम नोज़ के ऊपर इसे अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने बैंड किया तो ये बैंड हो गया ऊपर से, तो नोज़ पे हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें नोज़ क्लिप भी गिवन है इसमें। सो दोस्तों अब मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ कि पहन के किस तरह से दिखता है ये और कैसे पहनते हैं इसे। तो ये हैं इसके स्ट्रैप्स और ये है इसका टॉप पोर्शन जहाँ पर क्लिप दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से पकड़ लें आप और थोड़े मेरे बाल बिगड़ जाएंगे, इस तरीके से ऐसे आराम से आप पीछे से इसे पहन सकते हैं और क्लिप्स को इनको टाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मैंने पहन लिया है मास्क और इसकी अब ये क्लिप को मैं कर देता हूँ, ये पूरी फैली हुई है इस तरह से ये टाइट, तो ये मैंने अब क्लिप को लगा लिया, मैं क्लोज आके दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये मास्क दिख रहा है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिप मैंने यहाँ से पूरी नोज़ पर यहाँ से सेट हो गई है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल मेरी नोज़ के हिसाब से सेट है और हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम हो गई हो मास्क पहनने की वजह से। और साइड से भी देख सकते हैं आप कैसे दिख रहा है, बैंड इसके इस तरह से आ जाते हैं, एक ईयर के नीचे से एक ईयर के ऊपर से, और जैसे आप चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड से भी इस तरह से ये मास्क आपको मैं दिखा दूँ जैसे कि दिख रहा है। तो ओवरऑल ये जो है काफ़ी अच्छा मास्क है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश भी है और काफ़ी अच्छा इसमें प्रोटेक्शन वगैरह भी दिया हुआ है। तो इस मास्क को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, मतलब 200 रुपए के प्राइस बजट में काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट मास्क है। स्टाइल के साथ में इसमें हमें अच्छा प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छे से पूरे फेस को हमारे कवर कर लेता है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं जा सकती आपके मुंह के अंदर इसमें कोई भी पार्टिकल वगैरह, हल्का फुल्का तो थोड़ा बहुत हम ऊपर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जाता ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से डस्ट वगैरह से, पॉल्यूशन से और वायरसेस वगैरह से काफ़ी अच्छे से आपको ये मास्क प्रोटेक्ट करेगा। ब्रीथिंग के मामले में बताऊँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला होता है मास्क के अंदर, तो ब्रीथिंग में मतलब ड्राइविंग वगैरह में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ड्राइव अगर कर रहे हो आप टू व्हीलर को, लेकिन जैसे फोर व्हीलर अगर आप खड़े हुए हो कहीं पर ही और गर्म बहुत ज़्यादा अगर हवा हवा जैसे होता है ना, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल नहीं चल रही, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें सफोकेशन फील हो सकता है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो और गर्मी का टाइम भी हो बहुत ज़्यादा और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही हो, तो आपको इसमें थोड़ा सफोकेशन फील हो सकता है जिसमें आपको थोड़ा देर उतार के फिर इसे ऊपर करना पड़ेगा। तो बस ये इस सिनेरियोज में जो मैंने बताया जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, हवा वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही, तो थोड़ा बहुत आपको सफोकेशन फील हो सकता है इसे उतार के फिर आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मौसम लाइक हवा वगैरह अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं हो, आप टू व्हीलर वगैरह भी ड्राइव कर रहे हो और नॉर्मल वॉकिंग भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो इस मास्क में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ब्रीथिंग के अंदर नहीं आएगी। दोस्तों मैं हेलमेट पहन के भी दिखा देता हूँ ये किस तरह से लगता है और किस तरह से फेस पे लगेगा हेलमेट पहनने के बाद। सो दोस्तों मैंने पहन लिया अपना हेलमेट, ये चिनलेस हेलमेट है मेरा बेसिकली सिटीज़ वगैरह के लिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसके अंदर ये कैसा लग रहा है, थोड़ा दूर होकर भी मैं दिखा देता हूँ, साइड से मैं दिखा देता हूँ इस तरह से। ये इसका स्ट्रैप जो है पहनने में बाहर आ गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे एडजस्ट करके अंदर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है मतलब फेस के ऊपर हेलमेट वगैरह के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कैमो कलर जो मैंने मंगाया ये भी काफ़ी मतलब डिसेंट कलर है कैमो वाला, तो इसके अंदर और भी डिफरेंट कलर्स आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं आप जो भी चाहें। और मैंने ये वाला जो कलर लिया ये कैमो कलर है, बाइंग लिंक इसका जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली क्लिक करके लिंक पे आप परचेज कर सकते हैं इसको। दोस्तों वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल की फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो अपने चैनल के ऊपर लेकर ही आता रहता हूँ। इसके अलावा भी दोस्तों आपका कोई सवाल हो, आप चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस प्रोडक्ट का रिव्यू करने की आप लोगों के लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा। और इस मास्क से रिलेटेड कोई सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और जल्दी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।